हेलो एवरीवन, अभी मैं आई हूँ फैंसी बाज़ार। तो आप सभी को मैं आज दिखाने वाली हूँ फैंसी का। मैं शॉपिंग करने आई हूँ, तो यहाँ पे मैं घड़ी ठीक करने दी हूँ। भैया घड़ी ठीक कर रहे हैं, तो उसके बाद हम लोग थोड़ा शॉपिंग करेंगे और कुछ कुछ कपड़ा भी हमने ख़रीदा है, वो सारा कुछ बाद में दिखा देंगे। तो लास्ट वीडियो में आप सभी ने कॉटन कॉलेज का कैंपस स्टोर वाला वीडियो देखा था। तो हम लोग काछाड़ी से अगेन जा रहे फैंसी बाज़ार, शॉपिंग चैलेंज एक करेंगे 1000 रुपीज़ का। तो बहुत भागदौड़ होने वाली है, तो हम लोगों ने हाथ में कुछ कुछ चीज़ें खाने का ले लिया है। तो खाते हुए हम लोग थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे और क्या ही शॉपिंग करेंगे, सारा कुछ दिखाएंगे, शॉप का डिटेल्स भी दिखाएंगे कहाँ से लिया है। तो ये अंकल लोग भी अभी खाने के लिए बैठा हुए लंच कर रहे, तो इनको ज़्यादा नहीं दिखाएंगे। और आप लोग सामान देखिए, इतना सुंदर इयररिंग झुमका वगैरह यहाँ पे है, कोरियन स्टाइल का भी आप लोगों को यहाँ पे झुमका मिल जाएगा। बहुत ही कम प्राइस से स्टार्टिंग है, अगर आप लोग बार्गेनिंग कर सकते हो तो 10 रुपये से स्टार्टिंग करके हाई रेंज तक का आपको यहाँ पे मिलेगा। 100+ यहाँ पे प्राइस रेंज है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग जो गोल गोल राउंड राउंड घूमता है ये वाला देख सकते हो, यहाँ पे कपड़ों का स्टॉल है। तो यहाँ पे फुटपाथ पे ही दुकान लगता है, ठीक है। तो आप लोग 200-250 का ये प्राइस बोलेगा, पर लास्ट में आप लोग वीडियो का मिड सेक्शन में देखना कि ये सारे कपड़ा मैं 150 से नीचे तक का प्राइस में खरीदूंगी। गेंजी की तरफ दुखो दो, गेंजी लो आते हैं। 250 लग, 250 ये सब दिखा सकते हो, बहुत ज़्यादा दिखा सकते हो। और जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, मैं आज एक्सप्लोर भी करूंगी, साथ में एक शॉपिंग चैलेंज करूंगी 1000 रुपीज़ का। तो मेरा बजट कुछ ऐसा होगा कि जो भी मैं आउटफिट खरीदूंगी, जो भी मैं बनाऊंगी आज का आउटफिट, मतलब कॉम्बोस खरीदूंगी, सारा कुछ मतलब 1000 से नीचे होना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पेन चेक कर रही थी, पर यहाँ पे फिक्स प्राइस है, पर बहुत ही पसंद आया था मुझे ये दोनों कलर, ब्लैक कलर और ये ब्राउन का जो कार्गो पेंस है, तो मीशो से भी मिल जाता है इतना रेंज में। तो यहाँ पे 550 बोल रहे थे और इसमें थोड़ा सा भी बर्गेन नहीं कर सकते, फिक्स प्राइस बता रहे, तो मुझे बहुत ही बुरा लगा, मैं नहीं ले पाई। नेक्स्ट टाइम फिर से जाना होगा ये सारे चीज़ें खरीदने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे देखे कि 200 में इतने अच्छे अच्छे कुर्तास मिल रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मम्मी के लिए भी एक ले लूँ। तो सामने और एक स्टोर लगा हुआ है, 100 करके चिल्ला रहे थे, तो मैंने यहाँ से 100 रुपीज़ का 1-2 ऐसे करके कुर्ता ख़रीदा। एक मेरी दोस्त ने खरीदा, एक मैंने ख़रीदा। तो आप लोग भी यहाँ से बाय कर सकते हो, अगर आप लोगों लकीली ये स्टॉल मिले तो आप लोग ज़रूर ख़रीदना, क्योंकि समर टाइम में ये सारे स्लीवलेस वगैरह, मतलब हल्का फुल्का ड्रेस के साथ घर में भी पहन सकते हो, बाहर भी दुकान वगैरह में जा सकते हो मार्केट में। और ब्लू वाला मैंने ये कुर्ता मम्मी के लिए देखा था, पर मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए मैं इसको छोड़ के अलग सा एक ली हूँ, तो आप लोगों को वीडियो का एंड में दिखेगा। और एक बात, यहाँ पे एक मैंने फ्रॉक देखा, स्टॉल है यहाँ पे, सिर्फ फ्रॉक सेल कर रहा है। तो यहाँ पे कपड़ा बहुत अच्छा है, क्वालिटी कॉटन का है और साथ में बहुत ही सुंदर फ्लोरल कलर है, फ्लोरल डिज़ाइन से, और कपड़ा जो है ना कलर बहुत लाइट कलर है, घर में भी बाहर में भी आप लोग पहन सकते हो। 200 से लेकर 250 का ये रेंज में कपड़ा मिलेगा। और फिर हम लोग इसको क्रॉस करते आगे जाएंगे, यहाँ पे 100 रुपीज़ का ये एक टी शर्ट का दुकान है और यहाँ पे मैंने घड़ी भी ठीक करने दिया है। तो ये सब 350 का बोल रहे हैं भैया, और मैं यहाँ पे अपना घड़ी ठीक करने दिया हूँ, तो मेरा घड़ी ठीक कर रहे हैं भैया। और इस तरफ बाकी दुकान, घड़ी का जो मेरा बेल था वाइट कलर का, वो ख़राब हो गया है, तो मेरा बहुत ही दुख लगा, वाइट बेल मुझे पसंद था, तो इसको चेंज करके मैं थोड़ा आगे गई। आगे यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे टॉप्स वगैरह मिलते हैं 100 रुपीज़ का, सिर्फ और सिर्फ 100, पहले 50 में भी मिलता था और 150 में भी आपको लॉन्ग फ्रॉक्स भी मिल जाते थे, बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 150-100 में पैंट्स भी मिलते हैं। और थोड़ा सा कपड़ा देखने के बाद मुझे दो कपड़े पसंद आए, ये व्हाइट वाला और क्रॉप टॉप मैंने अलग लिया है, ये नहीं लिया है, तो आप लोगों को दिखाऊंगी बाद में। फिर जाके थोड़ा आगे मैंने लिया है एक स्कार्फ, तो ये भी थोड़ा बहुत आप लोगों ने देख ही लिया है, फिर भी मैं लास्ट में दिखा दूंगी अच्छे से। पर हमारा शॉपिंग अभी भी कम्प्लीट नहीं हुआ दोस्तों, हम लोग अभी भी और शॉपिंग करने जा रहे, इतनी धूप में भी बिना छतरी का देखो हम लोग घूम रहे हैं। फिर यहाँ पे जो इतने सारे सुंदर सुंदर क्लचर्स देख रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ 20 रुपीज़ के, जी हाँ दोस्तों। और आगे एक दुकान है, उसमें से हम लोगों ने दोनों क्लिप्स और उठाए, पर मैंने पिंक नहीं लिया, इस बार मैंने ब्लू चूज़ किया है। फिर आगे जाके आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि शॉप में सारा कुछ 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ में से सामान ले सकते हो, बहुत ही मतलब ये अफोर्डेबल प्राइस में सामान सेल करते हैं अंकल। पहले भी मैंने ये अंकल का दुकान के बारे में बताया था आप सभी को। और एक बात आप सभी को बता देती हूँ, ये सामने आगे जाकर एक दुकान है, नया करके स्टॉल खुला है, यहाँ पे 150 रुपीज़ जैसे मीशो प्राइस है, वैसे आप सभी को
सुंदर सुंदर क्रॉप टॉप, स्लीवलेस और फुल स्लीव का भी मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 150 रुपीस में। दूसरों का कपड़ा सेल कर रहे थे तो उधर से ये सब कुछ लिया, पर एक लॉस हो गया है, वो ख़राब लग रहा है मन को कि 200 रुपये का सेल लगा था उधर से मैं ले ली, पर उसका सामने वाला दुकान में 150 का सेल लगा था सेम कपड़ा, और कपड़ा क्वालिटी भी थोड़ा अलग था, तो मेरा गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, मैंने इसलिए दोनों ही लेना पड़ा मुझे। अभी मैं घर जाके ही आप सभी को पूरा दिखाऊंगी क्या क्या खरीदा है। मैं उस तरफ जाऊंगी वो वाला गाड़ी में, और तुमको इधर से गाड़ी जाओगी। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल अगेन। और घर पहुंचने के बाद पहला चीज़ मैंने ये सारे कपड़ों को ट्राई किया है कैसा आया है, क्या ख़रीदा है मैंने, और स्कर्ट भी मैंने देखा है कि अच्छा ही आया है, 50 रुपीज़ का मतलब प्राइस शेयर कितना ही अच्छा मिलेगा आपको, ठीक ठाक ही है। और ये मैंने 200 रुपीज़ में लिया था, मैंने पहन के भी लिया, इसके लिए आप लोग वीडियो में देख सकते हो ख़राब दिख रहा है, आयरन भी नहीं किया मैंने। और वाइट कलर का ये मुझे बहुत पसंद आया, मतलब 150 रुपीज़ में इतना सुंदर मीशो में भी ऐसा नहीं मिलता है, क्वालिटी बहुत बेहतरीन है। मतलब आप सभी को बताऊंगी कैसा है क्वालिटी, पहले आप लोग ये कपड़ा देखिए, देखने में जैसा बेहतरीन लग रहा है वैसा ही है, मतलब बहुत ही स्मूथ है कपड़ा, गेंजी टाइप है पर बहुत अच्छा है। और साथ ही में मैंने सोचा था कि ये ख़रीदने से मुझे लॉस होगा, जो 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है अलग से दुकान, मतलब वो दोनों का सेल लगा हुआ था कॉम्पिटिशन टाइप। और मैंने जो कहा था मम्मी के लिए मैंने एक टॉप लिया है, मतलब कुर्ता टाइप ही है, शॉर्ट मतलब कुर्ता, तो बाहर भी पहन सकते हैं घर में भी मम्मी पहन सकती है अगर चाहे तो। और ये देखिए सिर्फ़ और सिर्फ 100 रुपीज़ में मुझे मिल गया है, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये कलर लाइट में, मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक हमने लिया है टॉप, क्रॉप टॉप लिया है, वो भी दिखाऊँगी। कपड़े का क्वालिटी बहुत बेहतरीन है, मतलब बहुत ही मुलायम है, समर टाइम के लिए बेस्ट रहेगा, ऐसे भी मम्मी को मतलब इतना हैवी क्लोथ्स पहनने का शौक़ नहीं है। और इधर मैंने लिया था एक क्लिप ब्लू कलर का बटरफ्लाई वाला, और एक लिया था पिंक कलर का, ये 20 रुपीज़ बोथ लिया मेरा 40 रुपीज़। और ये मैंने जो दिखाया था मेरा ये बेल्ट मैंने चेंज करवाया था, पहले था वाइट कलर का, अभी मैंने ये लेदर का लगाया, 80 रुपीज़ लिया है। भाई बोल रहे कि बहुत ज़्यादा चार्ज किया क्योंकि ये लेदर का चीज़ बहुत ख़राब हो जाएगा बहुत जल्दी, तो शायद ठीक ही बोला, मुझे इसमें लॉस हुआ है। और ये वाला जो मैंने 200 रुपीज़ में लिया था और ये मैंने 150 रुपीज़ में लिया था, तो फ़र्क इतना ही है कि वाइट वाला थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट जैसा लगता है, पर जो मैंने पीच कलर जैसे पिंक लाइट पिंक के लिया है वो उसमें ऐसा मतलब इतना ट्रांसपेरेंट नहीं होता। देखो मेरा उंगली तक दिखाई दे रहा है ना पीछे से। कुछ इनर वेयर्स वगैरह भी खरीदे हैं जो मैं नहीं दिखाऊंगी, पर 1000 से नीचे मतलब मेरा बजट जो था उसमें अंदर में हो गया सारा शॉपिंग, तो मुझे बहुत खुशी हुई। आज का व्लॉगिंग शायद ही आप लोगों को अच्छा लगा होगा फैंसी बाजार का, तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।